आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसके जो आउटपुट आ रहा है, जो डिसीजन आ रहा है, क्या हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि अभी जो AI और ML है, बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स में भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग, फिनेंस एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर कहीं कोई डिसीजन लिया जाता है तो दैट इम्पैक्ट्स यू फिनेंशियली या हेल्थ वाइज भी। एंड मैनी डेवलप कंट्रीज़ में, एडवांस कंट्रीज़ में कंज्यूमर के पास ये राइट होता है। सपोज उसने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है और वो लोन रिजेक्ट हो गया है, तो ही हैज़ ए राइट टू आस्क कि लोन क्यों रिजेक्ट हुआ। और बैंक वाला ये नहीं बोल सकता कि मशीन ने बोला था इस कारण कर दिया। सिमिलरली हॉस्पिटल में आप एडमिट हो रहे हैं और कुछ डिजीज आइडेंटिफाई हुई या नहीं हुई है, तो यू हैव ए राइट टू आस्क कि वो कैसे किया गया। तो AI एंड ML को उसे समझने के लिए कई, वैसे तो मॉडल्स हैं, जो मेनली मैं बोलूँगा सम आर मॉडल एग्नोस्टिक एंड सम आर नो मॉडल स्पेसिफिक। और जो दो मेन हैं, विच इज़ कॉल्ड लाइम एंड सैप। लाइम जो है वो 2016 में आया था, जिसका फुल फॉर्म है लोकल इंटरप्रेटेबल मॉडल एग्नोस्टिक एक्सप्लेनेशन। ये 2016 में आया था और ये जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, ये लीनियर रिग्रेशन या डिसीजन ट्री उनके लिए वैलिड है। फॉर न्यूरल नेटवर्क एंड फॉर द रैंडम फॉरेस्ट उनके लिए दूसरी चीज़ें अप्लीकेबल होंगी। तो लाइम, अगेन टू एम्फसाइज इट अगेन, इट्स अ लोकल नो। तो कोई एक आपके पास एक पैसेज है, उसमें कुछ सेंटेंस है, और सपोज जैसे मैं एक सेंटेंस अभी बहुत ही सिंपलिसिटी से ले रहा हूँ कि आज मंडे है, मेरी बस छूट गई और मैं बहुत गुस्से में हूँ। तो इससे ये पता लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो निगेटिव है, मतलब निगेटिव टोन है। पर ये निगेटिव टोन किसके कारण है? आज मंडे है ऐसा नहीं, तो मंडे या आज इनका कोई वेटेज नहीं है। बस छूट गई उसका आप थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा वेटेज रहेगा नेगेटिव के, इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। पर मैं गुस्से में हूँ, ये गुस्सा वर्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि वाई दिस वर्ड इज़ नेगेटिव। तो जो लाइम का जो वर्क करता है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि बड़े से पैसेज में या बड़े से टेक्स्ट में वो लोकली कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं उनको फिर वो इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है। हम बोल सकते हैं कि उन्हें ऑन ऑफ करता है। जैसे उसने कहीं जैसे आज मंडे है तो इसको हटा दिया, जैसे उसे आज ट्यूसडे है तो इस टाइप से भी, आज ट्यूसडे है मेरी बस मिस हो गई और मैं गुस्से में हूँ, फिर भी उसकी नेगेटिविटी पे ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो ये मंडे या ट्यूसडे वर्ड है, ये नेगेटिविटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, पर आज मैं गुस्से में हूँ तो वो गुस्सा वर्ड यहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी ला रहा है। तो इस टाइप से वो जो लाइम है वो काम करता है, वो लोकली उन सेंटेंसेस को वहाँ पे एनालाइज करता है, डिफरेंट जो वर्ड्स हैं या फीचर्स हैं उन्हें ऑन ऑफ करके देखता है कि उसका फाइनल आउटपुट क्या सेम रह रहा है या डिफरेंट हो रहा है, और उस हिसाब से पता लगाता है कि मे बी इस वर्ड का वेटेज ज़्यादा है और उससे ये एक्सप्लेन हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला आज मंडे है, मेरी बस छूट गई और मैं गुस्से में हूँ, ये गुस्सा वर्ड जो है वो नेगेटिविटी ला रहा है। तो नाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई दिस सेंटेंस इज इन ए नेगेटिव टोन। और ये मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया यहाँ पे समझाने के लिए, पर इसे हम और भी बड़े तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा जो मॉडल होता है, विच इज़ शैप, विच इज़ शैपली एडिक्टिव एक्सप्लेनेशन। और ये जो शैपली गेम थ्योरी है वो 1951 में आई थी। तो दो शैप जो है वो तो कुछ 2017 में आया। उसका मेथड ये है कि वो गेम थ्योरी थी शैपली वैल्यू की, कि एक गेम में कहीं 10 लोग पार्टिसिपेट करें एंड इफ दे हैव वन सम प्राइस, तो प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन 10 लोगों के बीच में, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए क्योंकि हर किसी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया था, या वॉज देयर अ डिफरेंट वेटेज। तो इसे भी एक एग्जांपल के समझते हैं। जैसे कहीं मैं बोलूं कि एक बस स्टैंड के पास एक आइसक्रीम की शॉप है और वहाँ पे आइसक्रीम बिकती है, तो कहीं हमें ये पता लगाना है कि कितनी आइसक्रीम बिकेंगी, तो किन किन पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। एक तो ये भी हो सकता है कि
दिन का टाइम है तो शायद बसेस ज़्यादा आती होंगी तो तब ज़्यादा आइसक्रीम बिकेंगी। वो जो आइसक्रीम वाला है वो केवल एक ही शॉप है या दो तीन शॉप से हैं, उनके यहाँ कितने फ्लेवर हैं और ओवरऑल डे का टेम्परेचर क्या है। बट नाउ द पॉइंट टू नोट हियर इज, कई बार जो ये पैरामीटर होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इन द सेंस हम ये बोल सकते हैं कि जब गर्मी होगी तो आइसक्रीम ज़्यादा बिकेंगी, पर एक ये भी रीज़न हो सकता है कि गर्मी के टाइम पे कई बार हमारे यहाँ जैसे गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आइसक्रीम ज़्यादा बिक रही है। तो द शेप में क्या होता है, वो हर पैरामीटर का पहले वैल्यू निकालता है। जो आपका एक पूरा सेंटेंस हुआ उसका क्या वैल्यू रहा, प्लस ईच जो ये इसके के कॉन्ट्रीब्यूटिंग पैरामीटर्स हैं विच वी कैन से ए बी सी डी पैरामीटर्स, तो वो हर एक पैरामीटर को हटा के देखेगा कि अब क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद वो सब पैरामीटर्स भी बनाता है कि जैसे मैंने बोला कि टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी है पर शायद वो वैकेशन टाइम भी है, इस कारण लोग ज़्यादा आएंगे, बसेस ज़्यादा आएंगी और इस कारण भी आइसक्रीम ज़्यादा बिक रही है। तो वो ये भी कोएफिशिएंट पैरामीटर लगाकर फिर उसे बताने की कोशिश करता है कि हर एक को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो दिस इज इन ए नटशेल इज द लाइम एंड शेप मेथड्स। दोनों के प्लस माइनस हैं। लाइम जो है वो मतलब लोकली काफ़ी अच्छा रहता है, जो लीनियर रिग्रेशन डिसीजन ट्रीज इनको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी यूज़फुल पाया गया है, पर इसमें थोड़ी इनस्टेबिलिटी रहती है क्योंकि मैंने बोला वो एक तरह से रैंडमली कुछ फीचर्स को ऑन ऑफ करके पता लगाने की कोशिश कर रहा है और ये लोकली थोड़ा सा है जो एट द नेम सजेस्ट। सैप जो है शेपली वैल्यू का जो है एक्सप्लेनेशन वो ग्लोबल इन द नेचर होता है, तो वो दैट वे क्वाइट वर्सेटाइल रहता है और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है। दोनों में ही कंप्यूटेशनल पावर की हमें चैलेंज एक रहती है, बट दीज आर द टू एज ऑफ नाउ द गुड टूल्स लाइम एंड शैप, जिनसे हम थोड़ा सा ये पता लगा सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स थे जिनके कारण वो मशीन लर्निंग या एआई में जो कुछ भी आउटपुट आया वो क्या आया। हैविंग सेड दैट, ये जो लाइम आया वो 2016 में आया, सैप आया 2017 में आया, एंड दीज आर गुड इनफ, बट अभी जिस हिसाब से हमारा एआई का एडवांसमेंट हो रहा है देर आर मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम विच आर कमिंग इन टू पिक्चर, तो ऑफकोर्स वी नीड टू डेवलप समथिंग मोर, और उसमें मेरे हिसाब से तो न्यूरो सिम्बॉलिक एआई विल ऑल्सो प्ले ए बिग रोल। बट टू स्टार्ट विद आई थिंक अभी इस एपिसोड में आपको लाइम और सैप समझ में आया होगा जो मैंने बताया है। आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरे वेबसाइट www.rakhansingh.com पे पढ़ सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में आप बता सकते हैं कि आपको मैं किस और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कहीं कहीं आपको अच्छा लगा या उस पर और कुछ जानकारी चाहते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड मैं कुछ और भी इसी टाइप के वीडियो ऑन द एआई बनाऊंगा। थैंक यू।